नमस्कार दोस्तों, स्कूल रीओपन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं, स्कूल रीओपन लेटेस्ट अपडेट, खुल गए स्कूल। जाने आपके राज्य में क्या है अब तक की तैयारी। दोस्तों काफ़ी राज्यों में, लगभग हम बात करें तो 90% राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, और किस राज्य में किस प्रकार की तैयारी है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको पल पल की अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इस कोरोना काल में यूपी बिहार सहित कई राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी जो है स्कूल बंद है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल खोलने की ओर संकेत दे दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में कहा है कि हम सभी एहतियात कदम जो है उठाते हुए दीपावली के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। इधर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए अगले आदेश तक स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों ही ऐलान इसके बारे में कर दिया था। उसके अलावा दोस्तों हरियाणा में खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में 15 नवंबर के बाद यानी कि दीपावली के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर सरकार की ओर से निर्णय लिया जा चुका है। सार्वजनिक वाहनों में बच्चों के एक साथ जाने के कारण कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, इस ओर भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण 8 महीने से बंद पड़े स्कूल 20 नवंबर से खोले जाने की तैयारी की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी जो नोट सीट है उसको मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजने का काम किया है। शिक्षा विभाग की नोट सीट की माने तो कक्षा 9 से 12 तक की क्लासें जो है 20 से 25 नवंबर से शुरू की जा सकती है, तो वहीं कक्षा 6 से 8 तक की क्लासें 1 दिसंबर से शुरू करने की बात सामने आ रही है। हालांकि स्कूल पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पाएंगे। हर क्लास में बच्चों की संख्या भी जो है सरकार द्वारा तय की गई SOP यानी कि गाइडलाइंस के अनुसार ही निश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र में क्या है तैयारी, तो दोस्तों पिछले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दीपावली के बाद फिर से स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सूखे पड़े स्कूल एक बार फिर से जो है दीपावली के बाद चमक सकते हैं। दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल, तो दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले महीनों में ही कह चुके हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मध्य राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिसोदिया ने कहा कि परिजन जो है फिलहाल स्कूल खोले जाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कब खुलेंगे स्कूल, तो कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री SSureshkumar ने पिछले दिनों कहा था कि राज्य सरकार ने विद्यालयों को अभी भी जो है फिर से खोलने पर फैसला नहीं लिया है। तो वही अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी जो है 16 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में 16 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में जहां तक संभव है कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए दीपावली के बाद स्कूल खोले जाएंगे, तो वहीं तमिलनाडु में भी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए कक्षा चलाने का निर्णय जो है सरकार की ओर से किया जा चुका है। इन दोनों राज्यों में स्कूल जो है जाने वाले छात्रों के लिए मास्क लगाना हर प्रकार से अनिवार्य होगा। तो वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में क्या है तैयारी, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल 21 नवंबर से खोले जाएंगे। सभी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही अपनी गाइडलाइंस जो है जारी करेगी, और हरियाणा में 16 नवंबर से राज्य के सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है खुलने जा रहे हैं। तो वहीं बंगाल की बात करें, बंगाल में 1 दिसंबर से खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी कोरोना के मामलों को देखते हुए 30 नवंबर तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने का आदेश दिया है। यदि 30 नवंबर के बाद भी हालात राज्य सरकार के सामान्य लगते हैं तो उन्हें लगता है कि अब स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं, यानी कि 1 दिसंबर से स्कूल और कॉलेज एक साथ खोलने पर फैसला ममता बनर्जी की सरकार ले सकती है। वहीं झारखंड का बात करें तो दोस्तों झारखंड का हाल भी इसी तरीके से है। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में छूट के लिए जो भी दिशा निर्देश थे वो जारी कर दिए हैं।
उसमें सरकार ने क्लासरूम को चालू करने की अभी अनुमति नहीं दी है। सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से ही छात्रों को स्कूल और कॉलेज में बुलाए जाने की परमिशन जो है दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कहां कहां पे स्कूलें खुल चुकी हैं, तो आंध्र प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्कूल खोलने की स्थिति जो है कोरोना वायरस की स्थिति के जांच के बाद फिलहाल जो है अभी भी स्कूल बंद हैं, लेकिन जल्द ही खोलने का फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी जो है 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी विभिन्न राज्यों की स्कूल कॉलेज रीओपन को लेके बड़ी अपडेट, क्या तैयारी चल रही है। तो हमने आपको पल पल राज्य की जानकारी दी है। फिर भी अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं और आपको अपने राज्य की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य का नाम जरूर लिखें और कहाँ कहाँ पर स्कूलें खोले जा चुके हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से एजुकेशन से स्कूल कॉलेज रीओपन की पल पल की अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल के साथ जुड़े और पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं।